Hello students, welcome once again in home classes after summer vacation. Hopefully you all are doing well. Students, we all including you are tackling this unprecedented situation of COVID-19, and I believe that active students like you will not let this COVID-19 to harm your studies in any way, and you will supplement our efforts by making use of learning apps like Diksha, Vedantu, YUs, etc. Students, you are free to ask us anything at any time. So far as our classwork is concerned, we are done with our episode number 50. We were doing exercise 4.3 of quadratic equations. Today, we'll do part 2nd and 3rd of question number 1 of exercise 4.3. Students, ye question hai, find the roots of quadratic equation by the method of completing the square. Part 1st humne kar liya hai, part 2nd karna hai ab. 2x square plus x minus 4 equal to 0. Jahan hume whole square complete karna hota hai. To pehla step jo hota hai, wo bada important hota hai. Kaise karte hum? Sabse pehle jo first term hai, 2x square, इसको देखना है, तो इसको हमने होल स्क्वायर लिखना है। ये किसका होल स्क्वायर हो सकता है? रूट टू एक्स का होल स्क्वायर, बिकॉज रूट टू का स्क्वायर 2 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो ये लिख लेना है। उसके बाद सेकेंड टर्म लिखनी है, ये 2 हमने अपने से लिखना है और ये रूट टू एक्स इसको देख के लिखना है। उसके बाद ये सोचना है कि यहाँ हम क्या लिखें ताकि हमें x मिल जाए। तो यहाँ x है, इस 2 को भी खत्म करना है और रूट 2 को भी, इसलिए 1 अपॉन 2 रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हमें एक्स मिल जाएगा। दूसरी टर्म हमारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद थर्ड टर्म हमने अपने से लिखनी है, यहां नहीं देखना है, इसको देखना है, 1 अपॉन 2 रूट 2 का होल स्क्वायर लिखना है। ये हमने अपने से लिखा है, यहां नहीं है, तो इसलिए इसको कैंसिल करना पड़ेगा, फिर माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 का होल स्क्वायर। ये दोनों टर्म्स सेम होती हैं, खाली इनका साइन अपोजिट होता है। अगर ये प्लस का है तो यहां माइनस का। ये दोनों टर्म्स हमने अपने से लिखी हैं, यहाँ नहीं है। और फिर लास्ट में ये माइनस 4 रह गया है, वो आ जाएगा इक्वल टू 0। तो पहला स्टेप अगर हमारा ठीक से हो जाए तो फिर इस क्वेश्चन में ज्यादा परेशानी नहीं होती है। तो पहली 3 टर्म्स ये होल स्क्वायर बनाती हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और हमारा a होता है रूट टू एक्स और b होता है यहाँ 1 अपॉन 2 रूट 2, तो रूट टू एक्स प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा ये 3 टर्म्स से। इसका स्क्वायर ये आ गया, फिर 2 इंटू रूट टू एक्स इंटू 1 अपॉन 2 रूट 2, फिर प्लस इसका स्क्वायर, और ये दोनों टर्म्स लास्ट वाली शिफ्ट कर देनी है राइट साइड, 1 अपॉन 2 रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 4, दोनों माइनस की थी प्लस की हो गई, या अब हम इनको राइट साइड ले गए। तो जहां से 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 4.1 लिख लिया, ये 1 अपॉन 8 हो गया। उसके बाद 1 इंटू 1 1 प्लस 8 4 जा 32 अपॉन 8 1 जा 8। तो उसके बाद इस स्क्वायर को शिफ्ट करना है दूसरी साइड, तो ये रूट हो जाता है और साथ में प्लस माइनस आ जाता है। उसके बाद इस 1 अपॉन 2 रूट 2 को भी शिफ्ट करना है, इसको जब हम शिफ्ट करेंगे ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड में खाली रूट 2 एक्स रह जाएगा। उसके बाद हमने इस रूट 8 को भी 2 रूट 2 लिखना है, बिकॉज रूट 8 2 रूट 2 होता है। ये ऐसे ही आ गया, जहां रूट 8 था तो रूट 8 को हमने लिख दिया 2 का स्क्वायर इंटू 2, बिकॉज 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। उसके बाद ये स्क्वायर और रूट कट हो गए, 2 बाहर आ जाएगा, 1 2 अंदर रह जाएगा। तो अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 प्लस माइनस रूट 33 अपॉन 2 रूट 2, तो ये निकल रहा है रूट 2 एक्स। उसके बाद एक्स क्या आ जाएगा, ये रूट 2 इधर चला जाएगा, तो ये रूट 2 रूट 2 रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर के साथ रूट कट हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 2 जा 4 डिनोमिनेटर में, और एक्स हमारा आ जाएगा माइनस 1 प्लस रूट 33 अपॉन 4, ये प्लस, और फिर दूसरा हमने माइनस ले लेना है, दो रूट इस तरह से आ जाएंगे, माइनस 1 माइनस रूट 33 अपॉन 4 सेकेंड रूट हो जाएगा। इस तरह से ये रूट आते हैं। पहला स्टेप बड़ा क्रूशल होता है, अगर पहला स्टेप हम ठीक से कर पाए तो उसके बाद आसान होता है। अब तीसरा पार्ट करते हैं, ये है
4x² plus 4√3x + 3 equal to 0। तो सबसे पहला स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसको हमने होल स्क्वायर लिखना है। 4x² को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, पहली टर्म हमारी आ गई। उसके बाद दूसरा स्टेप हमने खुद से लिखना होता है, 2ab बनाना होता है, जहां 2 खुद से लिखना है इनटू a हमारा ये होता है 2x, यहां से देख के लिखना होता है। उसके बाद इसको देखना है, हमें चाहिए 4√3x, तो 2 2 = 4 भी है, x भी है, तो √3 लिखना पड़ेगा। चेक कर लेना है 2 2 = 4 इंटू √3, 4√3 और साथ में x, दूसरी टर्म हमारी कंप्लीट हो गई। उसके बाद तीसरी टर्म हमने लिखनी है खुद से, इसको देख के 2ab, जो b है उसका स्केयर लिखना है, √3 का स्केयर लिख दिया, ये हमने खुद से लिखा है, यहां नहीं है, तो इसलिए फिर -√3 होल स्केयर लिखना पड़ेगा, बिकॉज ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और लास्ट में ये 3 आ जाएगा +3 इक्वल टू 0। तो पहला स्टेप है ये। उसके बाद पहली जो तीन टर्म्स हैं ये होल स्केयर बन जाएगा a प्लस बी का होल स्केयर, और a है हमारा 2x और b है हमारा √3, तो ये होल स्केयर हो गया। और इनको हम शिफ्ट कर देंगे, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और ये 3 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। उसके बाद ये स्केयर के साथ रूट कैंसिल, 3 - 3 इक्वल टू 0, ये निकल रहा है 2x प्लस √3 का स्केयर, तो जहां से 2x प्लस √3 क्या आ जाएगा, ये स्केयर उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो रूट हो जाएगा और साथ में प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 0। तो ये निकल रहा है 2x प्लस √3, तो यहां से 2x क्या आ जाएगा, -√3 प्लस माइनस 0, तो यहां से x हमारा आ जाएगा -√3 प्लस माइनस 0/2, तो x क्या आ जाएगा -√3 प्लस 0/2, और दूसरा x आ जाएगा -3 माइनस 0/2, तो ये हो जाएगा -√3/2, और दूसरा भी -√3/2, ये भी √3 है। तो इस तरह से दोनों रूट हमारे सेम आ गए, तो यही हमारे आंसर्स हैं। तो इस तरह से ये करना होता है। ओके।